हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही टेबल हूँ, बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है ये छत्तीसगढ़ की, जो कि दीपावली के दिन बनाई जाती है। ये कंपलसरी होता है सबके घर बनाना। तो ये यहाँ पे मैंने दो तरीके की आटा लगाई है। ये नए चावल जो होते हैं वही है, अगर नया चावल नहीं है तो किसी न किसी के घर चावल कट चुकी होती तो वो उनके घर से ले लेते हैं और दे भी देते हैं, जो कि एक दूसरे को दे देते हैं, बहुत कंपलसरी होता है इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने दो तरीके की आटा लगाई है, एक में नमक नहीं है और एक में नमक है। जो छोटी वाली है उसमें नमक नहीं है और बड़ी वाली में जो है नमक है। तो नमक वाली बच्चे खाएंगे और बिना नमक वाली भगवान जी खाएंगे इसीलिए। तो यहाँ पर दिया भी मैंने बना लिया है। ऐसा नहीं है कि जो भोग का प्रसाद है वो हम लोग ही खाएंगे, वो तो हंसी मजाक की बात है। और ये दिया भी बनाते हैं चावल आटे की, ये देखिए। और ये दिया को भी खाई जाती है, दिया भी खाते हैं, ये देखिए। और मैंने बिल्कुल सिंपल ही दिया बनाया है, टाइम नहीं मिला था बिल्कुल बनाने के लिए। और इसमें एक बहुत बड़ी नियम भी है बनाने का, कि जब अब आटा गूंदने लगो ये फरा के लिए, तब से लेकर आप जब तक स्टीम के लिए आप लगा रहे हैं तब तक आपको बात नहीं करना होता है, ये नियम ही है। अब पता नहीं क्यों है ये नियम, जब तक हम फरा बनाते हैं और इसमें जैसे स्टीम में मैं फैला के रख रही हूँ, ये सब चीज़ तक करने तक आपको बात नहीं करना है। और आप चेक भी कर रहे हैं उस टाइम भी बात नहीं करना होता है, ये हमने मम्मी लोगों को देखा है करते हुए। और यहाँ पर मेरी फरा बनकर तैयार हो गया, स्टीम ही करना होता है। और मैंने जो इडली वाला होता है ढोकला, ये इसी मेकर में मैंने किया है। वैसे कुछ ट्रेडिशनल तो अलग ही होता है बनाने का, पर मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया है। और ये मैं 13 साल बाद बनाई हूँ और मेरे बच्चे पहली बार ही खाएंगे, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे नहीं बनाते हैं। तो भी 13 साल बाद भी मेरे बहुत ही परफेक्ट बना है। साइज़ थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, बस इस तरह का शेप में नहीं होता है। साइज़ तो सही है, शेप नहीं है। तो यहाँ पे बन गया है मेरी। और ये है कि दीपावली के दिन बस मिठाई और ये फरा ही होता है हमारे यहाँ, कोई स्पेशल थाली नहीं लगाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट दिन गोवर्धन पूजा होता है। गोवर्धन पूजा में ही मतलब स्पेशल खाना होता है, जैसे कि कढ़ी चावल और चाहे आप पूड़ी पकौड़ी कुछ भी, मतलब उसी में स्पेशल होता है। और गोवर्धन पूजा में भी जो कढ़ी और अरबी की कढ़ी होती है और चावल और बड़ा, इसकी गौ माता को भोग लगा कर फिर प्रसाद पाते हैं। अब यहाँ पर मैंने दिया लगा लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक